हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला टोबा टेकसिंग के एक तारीखी कस्बे चक 424 में, और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहां का सेंट हेनरीज रोमन कैथोलिक चर्च मॉन्टगोमरी वाला। तो आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, चर्च के फसाद का ताल्लुक ना सिर्फ चर्च की खूबसूरती के साथ है बल्कि उसका ताल्लुक चर्च के थियोलॉजिकल अरेंजमेंट के साथ भी है। अगर आप इसके एंट्रेंस डोर पे वाजे तौर पर देखें तो तीन रोमन आर्चेस बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके साथ एक और छोटा एंट्रेंस डोर है जिसके साथ भी तीन आर्चेस बनाई गई हैं, रोमन आर्चेस हैं, और ये ट्रिनिटी को जाहिर करती हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च का, इस मौजूदा बिल्डिंग का संग बुनियाद 15 नवंबर 1986 में रखा गया, और बाकी हिस्टोरिकल चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में रखी गई। इसकी ईस्टर्न साइड पे इसका फसाद है जबकि इसकी वेस्टर्न साइड पे इसकी खूबसूरत ऑल्टर है। और अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया गया, ये नॉन कॉसी फॉर्म में बनाया गया चर्च है। इसकी ऑल्टर की राइट साइड पर देखें तो बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसके अंदर बेल इरेक्ट की गई है, और इस टावर के फोर कॉर्नर्स हैं, और इन फोर कॉर्नर्स में आप वाज़े तौर पर देखें जो कि अनाजिले अरबा को जाहिर करती है, और इनके इसके अंदर और वाज़े तौर पर आप देखें तो तीन आर्चेस भी दिखाई देती हैं, फोर कॉर्नर्स में थ्री आर्चेस जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं। और अगर आप इसकी वेस्टर्न साइड यानी ऑल्टर के ऊपर देखें तो बहुत ही खूबसूरत डॉम है जबकि एक उसके साथ और डॉम है। इसके स्टेप वाइज तीन डॉम्स बनाए गए जो कि ट्रिनिटी डॉम्स हैं। इसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जायज़ा लें तो ये पूरे तौर पर रेड ब्रिक में बनाया गया। रेड ब्रिक के साथ साथ इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ और मेटल का भी इस्तेमाल किया गया। ये खूबसूरत चर्च उन बाकी चर्चेस की तरह आज भी अपनी तारीख का गवाह है जो उन ख़ास मसीही विलेजेस में से, जिनमें से ईसा नगरी और फ्रांसिस टाउन और उसके अलावा मार्टिनपुर भी, जिनमें हिस्टोरिकल चर्चेस बनाए गए मसीही आबादी के लिए, जो इतनी पुरानी तारीख के बावजूद भी मौजूदा दौर में ना सिर्फ इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं बल्कि अपनी इबादत को भी उसी पूरे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जारी रखे हुए हैं।